लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। वन्य प्राणी घोरपड़ का मांस बेचते पकड़ाए आरोपी। वन्य प्राणी घोरपड़ का मांस काटकर बेचा जा रहा है। वारा सिवनी सामान्य परिक्षेत्र के अंतर्गत 8 जुलाई की रात्रि 8 बजे ग्राम वन समिति अध्यक्ष पाथरी धर्मचंद सोनवाने द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि चैन लाल पिता भैयालाल गुवारी 52, साकिन खमरिया एवं धनेन्द्र पिता शिव प्रसाद गुवारी 34, खमरिया लाल बड़ा द्वारा वन्य प्राणी घोरपड़ का मांस काट कर बेचा जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही परिक्षेत्र सहायक वृत्त कनकी का समस्त अमला मौके पर पहुंचा। मौके पर वन्य प्राणी घोरपड़ का कच्चा मांस 0.290 ग्राम, 0.1 हसिया, 0.1 घोरपड़ का चमड़ा, 0.1 नग घोरपड़ का कटा हुआ सिर आरोपियों से जब्त किया गया। घटना के संबंध में आरोपी से विस्तृत पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा जंगल के समीप खेत में एक घोरपड़ देखा था, जिसका मांस खाने की मंशा से डंडे से मारकर उसे काटा गया एवं हसिया की सहायता से उसका चमड़ा निकाला गया। मौके पर संपूर्ण सामग्री बरामद कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 12719/17 8 जुलाई 2018 पंजीबद्ध कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 का 16, 9, 39, 48A, 49, 50, 51 एवं 52 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चानू की घोरपड़ प्रजाति विलुप्त प्राणियों की श्रेणी में आती है एवं यह अनुसूचित के भाग 2 का वन्य जीव है तथा जो जैव विविधता अधिनियम के तहत आता है। इस प्रकार विलुप्त होने वाले वन्य जीव का अवैध शिकार करना अमानवीय कृत्य माना गया है। कार्यवाही में परिक्षेत्र अधिकारी DC वासनिक, वनपाल राजेश पथिक, वन रक्षक लोकेश टेम्भरे, कुंवरलाल नगपुरे, राजेंद्र विके, खोजन लाल बिसेन, रविंद्र लड़कर, भरत भगत, दीनदयाल नगपुरे, कन्नूलाल गाडेश्वर, जय सिंह मार्को एवं शेर सिंह टेकाम का विशेष सहयोग रहा। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में पूर्व में भी वन्य प्राणियों के शिकार व मांस खाए जाने के मामले सामने आते रहते हैं। इस कारण इस क्षेत्र को वन्य विलुप्त प्रजाति के प्राणियों के लिहाज से संवेदनशील भी माना जाता है। लगातार मामले सामने आने के बाद अब वन विभाग भी गंभीर है, जिनके द्वारा यहां सर्चिंग बढ़ाए जाने व रात्रिकालीन गश्त तेज करने की तैयारियां की जा रही है, ताकि यहां स्थानीय वासी व शिकारी चाहकर भी विलुप्त प्रजाति के वन्य प्राणियों का शिकार न कर सकें।